हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 14th मार्च से लेकर 20th मार्च तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं टेम्परेंस रिवर्स एंड इनर वॉइस। और देखिए, ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक डीपर लेवल के लिए या फिर मन ही मन आप बहुत विजडम, बहुत समझदारी से चीज़ों को करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। एक क्लैरिटी या तो आप लाना चाह रहे हैं या फिर आ रही है। लेकिन सरफेस लेवल के लिए टेम्परेंस रिवर्स का कार्ड कहता है कि एक बैलेंस आप नहीं ला पा रहे हैं। कहीं या तो आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा कर रहे हैं या फिर बहुत कम कर रहे हैं। और देखिए, सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर कर सकता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ही आप चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा काम आप कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप बिल्कुल ही विड्रॉ कर रहे हैं, बिल्कुल ही आप काम नहीं कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत आप किसी चीज़ को लेकर सोच रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत केयरलेस आप चीज़ों को लेकर हो रहे हैं। तो देखिए, ये जो दो तीन चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं, मैं कह रही हूँ टेम्परेंस रिवर्स का कार्ड कहता है कि एक बैलेंस अगेन आप अपनी एनर्जीज में नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से अपने गोल, अपने मकसद पे, स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक आप नहीं फोकस कर पा रहे हैं, नहीं कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आपको यही रिमाइंड भी करा रहा है कि आप बहुत एक्टिवली चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें। आप कहीं, फिर से मैं कहूँगी, एक बैलेंस लेकर आएँ, एक मॉडरेशन लेकर आएँ। और देखिए, डीपर लेवल के लिए इनर वॉइस का कार्ड भी कहता है कि आप अपनी गट फीलिंग, अपनी इंट्यूशन को इस वीक ज़रूर फॉलो करें, उसको आप ना इग्नोर करें। और देखिए, मैंने हमेशा कहा भी है स्कॉर्पियोज, जब भी हमारी लाइफ में किसी भी तरीके का डिसबैलेंस आता है तभी इश्यूज और मसले भी होते हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि आप एक बैलेंस इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में ज़रूर मेंटेन करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए एक पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड अंडरस्टैंडिंग के कार्ड्स हैं। और देखिए, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग के कार्ड को आप देख पा रहे हैं, इसमें ये बर्ड पिंजरे के अंदर है, बाहर खुले आसमान की तरफ देख रही है जहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स फ्लाई कर रही हैं। और ये भी कहीं पिंजरे से बाहर जाना चाहती है, इन्हीं बर्ड्स के साथ उड़ना चाहती है, लेकिन ये अपने आप को होल्ड बैक कर रही है, लेकिन ये अपने आप को रोक रही है क्योंकि ये चीज़ों को और समझना चाहती है और अंडरस्टैंड करना चाहती है। और कुछ ऐसा ही डीपर लेवल के लिए आपके लिए भी रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे अगेन मैं कहूँगी कि आप किसी चीज़ को लेकर अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं। आप कहीं एक फ्रीडम चाहते हैं, खुल के उड़ना चाहते हैं, खुल के चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। और इसके लिए देखिए, सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि सरफेस लेवल के लिए आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं इमैच्योरिटी की वजह से आप कुछ चीज़ों को ना खो दें, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पीछे किसी लेवल पे किसी तरीके की इमैच्योरिटी की वजह से कुछ इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम हुए या फिर आपने किसी चीज़ को खोया। और देखिए, हो सकता है इसीलिए या फिर अदरवाइज भी आप बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं
कर पा रहे हैं। आप मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों पे फोकस करना चाह रहे हैं, लेकिन उस तरीके से आप, अगेन मैं कहूँगी कि मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए, मनी पैसे को लेकर भी कुछ इश्यूज, कुछ मसले होते हुए दिख रहे हैं। हालांकि देखिए, बहुत ही माइनर इश्यूज रहेंगे क्योंकि ये पेज का कार्ड है और दूसरी बात ये वीकली रीडिंग है, लेकिन फिर भी कोई भी पेमेंट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर कोई भी मनी से रिलेटेड फ़ायदा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इस वीक उतना होता हुआ नहीं दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं या फिर आपका ज़्यादा खर्चा हो रहा है, और किसी न्यूज़, किसी ईमेल, किसी मैसेज, किसी फ़ोन कॉल का अगर आप वेट कर रहे हैं तो वो भी कहीं डिले होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि इस वीक आपको ना मिले। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए सोलमेट्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि कितनी बारी होता है ना कि किसी इंसान के साथ इनिशियली या तो हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करते हैं या फिर बहुत हमें इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, और आगे जाके बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग उन्हीं से ही हमारी होती है। और यही लोग हमारे सोलमेट्स भी होते हैं, और ये हमारी इस लाइफ टाइम की जर्नी में हमें इवॉल्व करने में बहुत हेल्प करते हैं। और इस वीक अगर किसी भी इंसान के साथ ऐसा ही कनेक्शन आप महसूस करें तो ज़रूर उनसे आप कनेक्ट करें, ज़रूर उन पे आप अटेंशन पे करें। एंड चक्रा से आप लोगों के लिए क्राउन चक्रा का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है ऑल शेड्स ऑफ पर्पल इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। और देखिए, दूसरी बात, क्राउन चक्रा का कार्ड कहता है कि अगर आप स्पिरिचुअल रिलीजियस एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे तो इस वीक की एनर्जीज को आप और बेहतर कर पाएंगे, अपने लिए और क्लैरिटी और विजडम आप ला पाएंगे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ कनेक्ट किया या फिर कितना आप रेजोनेट कर पाए।